सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो मित्र थे, एक का नाम था विज्ञात, एक का नाम था अभिज्ञात। और विज्ञात का दो नाम था, ध्यान देना, एक मित्र का दो नाम है और एक मित्र का एक ही नाम है। जिसका दो नाम है उसका एक नाम है विज्ञात और एक नाम है पुरंजन, और उसके मित्र का एक ही नाम है क्या? अभिज्ञात। ये दोनों मित्र साथ साथ रहते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, और कुछ दिन के बाद ये घूमते घूमते उत्तर दिशा में गए। और जब उत्तर दिशा में जाकर के देखे तो जो विज्ञात है चंचल स्वभाव का है, ये चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। और देखते देखते एकदा हिमवतो दक्षिण स्वथ सानुसूद दर्शनम फिर द्वार भी पुरम लक्षित लक्षणाम। एक मंजिला का भवन देखा, दो मंजिला का भवन देखा, तीन मंजिला का देखा, ऐसे देखते देखते गया और एक जगह देखा तो नौ मंजिला का सुंदर भवन दिखाई दिया। इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ को विज्ञात अपने मित्र अभिज्ञात से कहा कि भैया आप यहीं खड़े रहते, जरा इस मकान में घूम के आऊं। तो कहा ठीक है। अब विज्ञात चला गया और जब वहां गया तो उस भवन में देख रहा है कि झरझर झरझर झरने का जल झर रहा है, पक्षियां चुहू चुहू बोल रहे हैं, और बढ़िया सुंदर बगीचा लगा हुआ है, पुष्प का बगीचा है। अरे उसमें नौ दरवाजा है। अब तो विज्ञात देख करके मस्त हो गया कि भगवान, मड़ियों का खंभा लगा हुआ है, सरोवर बना हुआ है, पक्षियां चहक रहे हैं, निर्झरझर की झरना का जल बह रहा है। घूमते घूमते देखा तब तक एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दिया उसी भवन में, उसी महल में। जब बड़ी सुंदर स्त्री दिखाई दिया तो जो विज्ञात था पुरंजन उसने बोल दिया, का त्वम कंजपला साक्षी कस्यासी हकुतः सती। ए देवी जी आप कौन हैं, बड़ी सुंदरी लग रही हैं, आप अपना परिचय बताएंगी? अरे इमाम उम परीम भीरु किम चिकेर ससि समसमे। और उस लड़किया के बगल में पांच फड़ वाला सर्प था। पुरंजन डर गया कि भगवान है तो बहुत सुंदरी लेकिन इसके साथ संबंध बनाने में बड़ा डरा हुआ है। देख रहे हो पांच फड़ वाला सर्प घूम रहा है और 11 बड़े धुरंधर नौकर उसके साथ घूम रहे थे। तो पूछा, कहा कि आप बड़ी सुंदर हो, आप अपना परिचय बताइए, आप हो कौन? तो उस लड़की ने कहा कि अपने माता पिता को मैं भी नहीं जानती हूं। पुरंजन सोचे कि पैदा होते ही मान इनके माता पिता स्वर्गवासी हो गए होंगे, इस कारण से ये नहीं जान रही है। तो कुछ देर के बाद पुरंजन ने कहा कि ये जो पांच फन वाला सांप आपके बगल में है ये क्या है? ये कहा मेरी सुरक्षा में रहता है, जब मैं इशारा करूंगी तब ये डसेगा नहीं, डसेगा नहीं। अच्छा, तो पुरंजन ने धीरे से कहा कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूं, करोगी? अरे कहा मैं पति तो ढूंढ ही रही हूं। अब पुरंजन ने, ध्यान देना, वो पुरंजन विज्ञात ने अपने मित्र अभिज्ञात को छोड़ करके और उसी लड़की से विवाह कर लिए, साथ में रहने लगे। नारद जी ये कथा प्राचीन बरही को प्रचेताओं को सुना रहे हैं, कहा अब उन्हीं के साथ में रहना शुरू कर दिए और नौ फाटक है उसमें घूमना शुरू कर दिए, रहते हैं कहीं वहां रहते हैं। और दशा ऐसी हो गई कि इतना ज्यादा उस अपनी पत्नी पुरंजनी में रम गए पुरंजन कि कहते हैं नारद जी प्राचीन बरही से प्रचेताओं से, कहे प्रचेताओं जब उनकी पत्नी हंसे तब वो बेचारे हंसते थे, जब वो खा ले तब वो खाते थे। संसार का नियम यह है कि पहले पति खा लेता है तब पत्नी खाती है, लेकिन पुरंजन महाराज का नियम यह था कि पहले पत्नी खा ले तब खाते थे, पत्नी जब चले तब चलते थे, पत्नी जब हंसे तब ये हंसते थे। जो दशा हुई, कहते हैं कि एक दिन बिना बताए पुरंजन चले गए कहीं बाहर, पुरंजनी नाराज हो गई। और जब नाराज हो गई पुरंजन लौट करके आए तो नौकरानियों से पूछा कि कहाँ है पुरंजनी? तो नौकरानियों ने कहा, ननाथ न जानी मस्त प्रिया यद्वयस्यति। हे नरनाथ, हे पुरंजन महाराज, आपकी जो प्राण बल्लभा है पुरंजनी और नाराज हो गई हैं, किस कारण से हुई हैं मैं नहीं जानती हूं। इसको जब कहे पुरंजन ने जा करके बहुत मनाया, बहुत मनाया, और एक संवत्सर
प्रचंड वेग नाम का राजा है जिसके पास 360 गंधर्व 360 गंधर्वियां हैं, वो लगातार पुरंजन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, इनके पांच फड़वाले लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कमजोर होते गए कमजोर होते गए। और एक समय ऐसा आया कि एक कन्या है जरा, उस कन्या का नाम है जरा, उसने सोचा कि हम भी विवाह कर लें। और चंडवेग राजा चढ़ाई कर रहे हैं और जरा नाम की कन्या बरमाला लेके घूम रही है, उसके साथ कोई विवाह ही नहीं कर रहा है। अब ये पुरंजन से कहा, महाराज आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए। पुरंजन भाग रहे हैं, वो जरा कौन है? काल की लड़की है। और जब नहीं माने तो पुरंजन के गले में जबरदस्ती बरमाला डाल दिए। और जब बरमाला डाल दिए, परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे वो राजा चंडवेग चढ़ाई करते 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 और एक दिन पूरे पुरंजनीपुरी को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। पुरंजन अंतिम समय में, मरते समय अपनी पत्नी पुरंजनी का चिंतन करते हुए मर गए। एक कथा नारद जी बता रहे हैं कि अगले जन्म में बहुत सुंदर लड़की पैदा हुए, लड़की बनकर के आए, और ये जब बड़े हुए सुंदर हुए तो इनका विवाह राजा मलयध्वज के साथ में हो गया। ध्यान देना, अब जब राजा मलयध्वज के साथ में विवाह हो गया तो इनसे काफी संतान पैदा हुई। और कुछ दिन के बाद राजा मलयध्वज की मृत्यु हो गई, और जब राजा मलयध्वज की मृत्यु हुई तो ये उनकी जो पत्नी है पूर्व जन्म का पुरंजन, वो अपने पति के साथ चिता में लाश में जल करके मरना चाह रही है और बार बार कर रही है, हे प्राणनाथ हमको छोड़ के कहां चले गए, हे पतिम परम धर्मज्ञ बैदर भी मलयध्वजम प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगांसा पति देवता। हे पति देव, हे प्राणनाथ हमको छोड़ करके आप कहां चले गए? कौन? वही बैदर्भी राजा मलयध्वज की पत्नी, जो पूर्व जन्म में पुरंजन था, विज्ञात था, वही स्त्री बनकर के अपने पति के विरह में तड़प करके और अपने पति की मरी हुई लाश को अपने भुजाओं में जोर से पकड़ लिया और कहा इसी लाश इसी चिता में मैं भी मर जाऊंगी। और जब चिता पे बैठ गई रोने लगी, तब तक एक वृद्ध ब्राह्मण बनकर के आए और ब्राह्मण ने कहा, का त्वम कस्यासि को वायम शयानो यस्य सोचसी। अरे हे देवी, क्यों इतना विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो? तो जो बैदर्भी है उस ब्राह्मण को देख रही है कि ये हमको क्यों समझा रहा है। कहा तुम देख नहीं रहे हो क्या, मेरे पति मर गए, अब पति के विरह में मैं मरना चाह रही हूं, तो पूछ रहे क्यों रो रही हो? तो ब्राह्मण कह रहा है, हमको पहचानती हो? अरे जाना सिक्किम सखायम माम ये नाग्रे विचचर्थ है। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा सखा हूं, हमको भूल रही हो क्या? अब बैदर्भी को बड़ा बुरा लगा कि हमने किसी से दोस्ती नहीं की, हमने शादी हमारी हुई मलयध्वज राजा के साथ में, ये कह रहा है कि हमारे दोस्त हो। तो कहा कि अपिस्मरसि चात्मानम। अरे जरा स्मरण करो, स्मरण करो। क्या? अपिस्मरसि चात्मानम अभिज्ञात सखम सखे। आप मेरा जरा ध्यान करो, मैं आपका पुराना दोस्त हूं, अभिज्ञात मेरा नाम है। आ हा हा हा, ज्यों बताए चिता पर से कूद पड़ी बैदर्भी, अब आ गई और कहा रे अपने कृपा की हमको बचा लिया। अब ये दोनों मिल गए और जब मिल गए प्रसन्नता के साथ बैदर्भी हंसने लगी।